जिनकी राष्ट्रभक्ति कम थी पहले, राष्ट्रभक्ति थी नहीं, वो राष्ट्रभक्ति का ढोंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा मजदूरों ने, महिलाओं ने, किसानों ने कुर्बानी दी है, संघर्ष किया है, अपनी जानें गंवाई हैं। हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रभक्ति क्या है ये मजदूर और किसान को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति इनके थे, वीर सावरकर, जिसके ऊपर ये पूरा महिमा मंडन करते हैं। वो भी कई बार अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग करके जो है अंग्रेज़ों के साथ खड़े हो गए थे। तो आज़ादी की लड़ाई में एक भी ये नाम बता दे जो इनके पदाधिकारी रहा हो। वीर सावरकर का नाम लेते हैं, उसके जो पूरा इतिहास है, इतिहास के पन्नों में तमाम चीज़ें दर्ज है कि अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग करके काले पानी से वो निकल करके आए और अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए। उनके जो माफ़ीनामा देश की जो है जनता ने सबने देखा है। हर घर तिरंगे के पीछे जो इनका मकसद है, वो मकसद ये है कि अंध राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करके ये अपने जो है तमाम कुकर्मों को ढकना चाहते हैं, अपने तमाम फेलियर्स को ढकना चाहते हैं। यही इनका एक मकसद है कि लोग महंगाई के ऊपर सवाल ना पूछें, लोग बेरोजगारी के ऊपर सवाल ना पूछें, लोग मजदूरों के श्रम कानूनों को ख़त्म किया जा रहा उसके ऊपर सवाल ना पूछें, लोग जो है सेना में युवाओं को रोज़गार को जो है ख़त्म करने के लिए अग्निपथ योजना पर सवाल ना पूछें, इन तमाम मुद्दों से लोग सवाल ना करें। इसलिए अंध राष्ट्रभक्ति के नाम पर लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान के किसान जिनके बेटे जो है सरहद पर लड़ते हैं, वो तिरंगे में उनके जो है बॉडी लिपट करके आती है, तो तिरंगा उनके दिलो दिमाग में है। तो ये राष्ट्रभक्ति हमारे देश को नहीं सिखाए, देशवासियों को ना सिखाए। हम लोग तिरंगे से प्रेम करते हैं, तिरंगा हमारा है, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जरूर मनाएंगे, लेकिन कुछ सवाल देश के हुक्मरानों से ज़रूर हैं जो जनता पूछ रही है कि आखिर इन 75 सालों के अंदर देश की आज़ादी में कुर्बानी देने वाले, उन शहादत देने वाले, उन जवानों की, उन योद्धाओं की शहादत का क्या हुआ जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी? क्या आज के हालात के लिए उन्होंने कुर्बानी दी? क्या भगत सिंह ने यही सपना देखा था? क्या सुभाष चंद्र बोस ने यही सपना देखा था जो आज का भारत है? आज़ादी का हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसे अमृत महोत्सव कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, हम मनाएंगे और मनाना है। और तिरंगा डीपी पे लगाने से राष्ट्रभक्ति नहीं जागेगी, तिरंगा हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा हुआ है, हमारे दिल में है। और जिन लोगों का आज़ादी के इतिहास में कोई योगदान नहीं था दूर दूर तक, आज वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि जो है आप डीपी पे जो है तिरंगा लगाइए। भारत के विकास की बात होती है, विकास किसका हुआ है? गरीब आदमी का विकास तो नहीं हुआ, चंद उद्योगपतियों के विकास को, टाटा का, बिरला का, अंबानी का, अडानी का, इनके विकास होने से देश की आम जनता का विकास नहीं हो रहा है। आज हालात ये है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण जनता के हालात बदते बदतर हुए हैं, महंगाई लगातार बढ़ी है, लोगों के काम धंधे सिकुड़े हैं, मार्केट में काम नहीं है, आर्थिक मंदी में देश जो पूरा जो धसा हुआ है, लोग जो है खाने खाने को मोहताज है। आज हालात ये है कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसने पहली बार जो है आटे पे, दही पे, दूध पे, इन तमाम चीज़ों पर GST लगाई है, छोटे छोटे जो बच्चों के पढ़ने वाले सामान पर GST लगाई है। तो हिंदुस्तान ये पहला देश है जिसने जो है आटे और इन तमाम चीज़ों पर जो है खाने पीने की रोज़मर्रा की जो है गरीब आदमी की जो चीज़ें हैं उन पर GST सरकार ने लगाई है। तो देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? GST लगने से आटे के रेट और बढ़े हैं, तो गरीब आदमी से रोटी को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। तो ये सवाल देश के हुक्मरानों से ज़रूर पूछा जाएगा कि हमारे रोज़गार कहाँ हैं, विकास में हमारा योगदान कहाँ है, काम धंधे हमारे कहाँ हैं। तो सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन दे रहे हैं। अरे देश की जनता मुफ्त राशन नहीं मांग रही, देश की जनता रोज़गार मांग रही है, संसाधन मांग रही है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करो। खैरात की रेवड़ियाँ किसी को नहीं चाहिए, और मुट्ठी भर अनाज देने से
लोगों की जिंदगियां नहीं चल जाएंगी। 2014 के बाद तो आज़ादी का जो मतलब था वो इन्होंने जो है पाताल में जो धसेल दिया है, लोकतांत्रिक तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने जो ख़त्म कर दिया है, लोकतंत्र के ऊपर आज खतरा है, देश के संविधान के ऊपर खतरा है, तो आज तो संवैधानिक तमाम व्यवस्थाओं के ऊपर खतरा है। जब से 2014 के बाद ये सत्ता में आई हैं, आज हालात ये है कि आप जरा सा बोलोगे तो आपके ऊपर जो ईडी की कार्रवाई होगी, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, पत्रकार अगर सवाल पूछेगा तो उसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा, उसको जो है बंद जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये तो बोलने के अधिकार को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्रांतिक अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आज़ादी का 75वां महोत्सव है, हर हिंदुस्तानी मनाएगा अपनी हैसियत के हिसाब से मनाया, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी हो, वो हमारे कुर्बानियों का वर्षगांठ है, उसको हर हिंदुस्तानी मानता है, हिंदुस्तानी के हर दिलो दिमाग में वो तमाम चीज़ें आज भी हैं, वो इतिहास आज भी कायम है, तो वो तो हम मनाएंगे। लेकिन उसके नाम पे जिस तरह की भावना पैदा करने की जा रही है कि अगर आप अपनी फोन की डीपी पे आप जो है अगर तिरंगा नहीं लगा रहे हो तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हो, तो ये इस तरह का जो अंधभक्ति पैदा करके जो है देश के माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है वो अपने आप में पूरा एक राजनीतिकरण है, उनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत वो जो सरकार काम कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं और ये सही बात है, सरकार एक जो है अपने राजनीतिक मिशन को पूरा करने के लिए इस तरह के जो है प्रोपेगंडा लेकर के आती है जिससे कि जो जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए और इन तमाम इस तरह के जो है प्रोपेगंडा में देश की जनता लग जाए और इसी में बहस होती रहे कि भैया उसने जो है अपनी डीपी पर तिरंगा लगाया नहीं तो इसका मतलब वो जो देश देशभक्ति नहीं है उसके अंदर, इन्हीं चीज़ों में लोग उलझे रहे। तो ये माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है।